लखनऊ दिल्ली जाने वाली नई ट्रेन लोहरदगा होकर जल जाएगी, ये बातें साउथ ईस्ट रांची मंडल के DRM प्रदीप गुप्ता ने कही है। दरअसल साउथ ईस्ट रेलवे के रांची मंडल के DRM प्रदीप गुप्ता स्पेशल ट्रेन से लोहरदगा पहुंचे थे। DRM लोहरदगा स्थित हिंडाल्को कंपनी के बॉक्साइट डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए DRM ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस का रांची टोरी लाइन में लोहरदगा ही एकमात्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसके लिए प्रपोजल भेजा हुआ है, जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। वहीं नई ट्रेन का भी प्रपोजल भेजा हुआ है। रांची से जो गाड़ियां छूटती थी, जो मुरी बड़का गांव होकर जाती थी, ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाली ट्रेन, जो लखनऊ और दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन, इधर से ही चले। DRM के इस निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई अधिकारी सहित कर्मचारी मौजूद थे। आने का रेगुलर इंस्पेक्शन है मेरा, हम लोगों का एक रहता है अपने एरिया में इंस्पेक्शन करने का, तो उसके तहत मैं आया हूँ, कोई ऐसा स्पेशल कारण नहीं है। दूसरा, जो आपने राजधानी का पूछा, तो राजधानी का रांची टोरी लाइन में लोहरदगा ही एकमात्र स्टेशन है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो इसके लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, जल्दी ही इसमें कुछ अच्छी खबर आपको मिलेगी। सर, क्या कोई नई ट्रेन का भी ठहराव यहाँ होना सुनिश्चित हो पा रहा है? नई ट्रेन का भी हमने प्रपोजल भेजे हुए हैं। इनफैक्ट जो रांची से गाड़ियाँ छूटती थीं, बुरी और बड़का होकर घूम के जाती थी, तो हमने ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्थ बाउंड ट्रेन, जो लखनऊ दिल्ली साइड जाने वाली ट्रेन, जो भी नई ट्रेन चले वो इस साइड से ही चले। धन्यवाद सर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।